लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान के बैनर तले 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के काले कानून का विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। बेतिहाता स्थित पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा आपातकाल के दौरान मीसाबंदी शिव प्रताप शुक्ल के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल के अलावा संस्थान के जिला अध्यक्ष शेदी लाल यादव, महामंत्री राजकिशोर मिश्र, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित अन्य लोकतंत्र सेनानी मौजूद रहे। इस मौके पर 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को याद किया गया तथा कहा गया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों ने जेल जाने से भी परहेज नहीं किया, जिसका परिणाम है कि देश में आज लोकतंत्र जिंदा है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 का दिन एक विवादास्पद फैसले के लिए जाना जाता है। यही वह दिन था जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी थी, जो 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने की अवधि तक जारी रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, लिस्ट बनाया और जिले के लोगों को बार बार प्रत्येक वर्ष एकत्रित करने का कार्य किया। आज भी अनेक ऐसे नाम है जिनके नाम मिलते नहीं थे लोकतंत्र सेनानी के रूप में। जितेंद्र राय जी उसके लिए लड़ भिड़ कर करके, राम सिंह जी को साथ लेकर के, जिलाधिकारी को बता कर करके उन लोगों के नाम को ऐड कराया और आज वो लोकतंत्र सेनानी के रूप में। इन लोगों का संघर्ष है, ये लोकतंत्र सेनानी जो के अब उनके न रहने पर उनके पति को या उनके पत्नी को भी यह पेंशन मिलने का अधिकार अब मिल गया है, उत्तर प्रदेश में कानून बन गया है, राजस्थान में थोड़ी सी चूक हुई कानून बनाने में और वहाँ की सरकार अशोक गहलोत की है उसने खत्म कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून बन गया है और उस कानून के अंतर्गत वैध तरीके से लोकतंत्र सेनानी जो है हो गए हैं, अब उनकी पेंशन पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है। आगे भी कार्य करते हुए कोई भी सरकार अगर आती है वह आपात का न लगा पाए, इस नाते हम सब लोग प्रत्येक वर्ष आपातकाल के विरोध में 25 जून को मनाते हैं। वह अपने संघर्ष को भूले ना, अपने हृदय में रखें और अपनी पीढ़ी को भी आने वाले समय में संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहे। जिन लोगों ने संघर्ष किया था वह देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। पूरे के पूरे सेनानी जितने बैठे हुए हैं यह देश के रक्षा के लिए थे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए थे। हमारे लिए देश बड़ा है, पार्टी छोटी है। और आपको ध्यान होगा आपातकाल के बाद इस देश में जब चुनाव लड़ने की बात आई, लोगों ने अपनी पार्टी को भी इतने परिश्रम से बनाया था, सजाया था और एक अच्छी स्थिति में खड़ा किया था, उसको भी विलीन कर दिया, जनता पार्टी बन गई, एक पार्टी हो गई। कांग्रेस का हम ये करेंगे, तब ये हुआ कि देश से बड़ी पार्टी नहीं होती है, इस नाते पार्टी को भी हम लोगों ने छोड़ दिया और जनसंघ जैसी पार्टी को जो है जनता पार्टी में विलीन कर दिया और भी कई पार्टियां उसमें हैं। तो देश कितना बड़ा होता है यह हम प्रत्येक वर्ष आपातकाल का विरोध मना करके इस नाते करते हैं, देश के प्रति हमारा समर्पण है, आपातकाल के विरोध की चिंगारी हमेशा जलती रहे, हम अपने पीढ़ी को सचेत कर सकें कि कभी भी ऐसी स्थिति आए तो निश्चित रूप से संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ना, संघर्ष करना, क्योंकि तुम्हें देश की रक्षा करनी। देखिए उस समय देश में आपातकाल लगाया गया था,
तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था, न्यायपालिका तक को के अधिकार खत्म कर दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो उस देश की उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, राजनीतिक दलों को प्रतिबंध लगा दिया गया था, समाचार पत्रों को अगर समाचार पत्र छपेंगे तो उनके अनुसार छपेंगे। जनसत्ता में जब छपा था, इमरजेंसी लगी थी, तो उसके पहले पृष्ठ पर ही केवल प्रश्न चिन्ह था और पूरा पेपर खाली था। वह भी विरोध कर रहे थे, मीडिया के लोग भी उसका विरोध कर रहे थे, सबको जबरदस्ती जेल में बंद करने का काम कर रहा था। देश में तानाशाही आ गई थी, लोकतंत्र खत्म हो गया था। लोग बार बार उसी के नाते सत्याग्रह भी किए, मारे गए, पीटे गए, रोलर उनके शरीर पर चलाए गए, कितने उसमें मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे जागृति आई, देश की जनता उठने लगी, जगह जगह इसकी मांग उठने लगी इमरजेंसी खत्म करने की। इमरजेंसी 77 में ख़त्म हुई, हम लोग 19 महीने तक जेल में ही रहे मीसा के अंतर्गत, कोई DIR में रहा, कोई मीसा में रहा। तो वह एक ऐसा समय था जो ये कहा जा सकता है कि लोगों को डराने वाला समय था, देश को डराने वाला समय था, क्योंकि तानाशाही अच्छी नहीं होती और श्रीमती इंदिरा गांधी एक तानाशाह के रूप में हो गई थी। लेकिन उनका भी विरोध करने के लिए लोग जेलों में गए, सत्याग्रह करके गए। तो उसी को भविष्य में कोई ना कर सके, इस नाते प्रत्येक वर्ष हम विरोध दिवस मनाते हैं। आज सेंटर में भी लोकतंत्र समर्थकों की ही सरकार है, इस नाते हम विरोध उस सरकार के किए गए कार्यों का करते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी सरकार ऐसी ना आवे जो इंदिरा गांधी जैसी हो सके, कांग्रेस जैसी हो सके। और अब तो इस देश से कांग्रेस खत्म होती जा रही है, वो आएगी भी नहीं, और आएगी अगर कभी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, उसका नेस्तनाबूद करेंगे, उसको ज़मीन से उखाड़ करके फेंक देंगे। लोकतंत्र सेनानी है उस समय जो जेल में बंद थी, आज लोकतंत्र सेनानी के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र सेनानियों को सरकार पेंशन भी देती है, और क्या सुविधाएं इनको मिल रही है, और क्या इन लोगों की मांग भी कुछ है? लेकिन सुविधाएं जो दे रही है सरकार, उसमें पेंशन दे रही है, और पेंशन के साथ साथ चिकित्सा की सुविधा देती है, बस की सुविधा देती है कि उत्तर प्रदेश की बसों से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और लोकतंत्र सेनानी कोई मांग नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया वो छोटी छोटी बातों के लिए मांग थोड़ा करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है कि जिससे उनका सम्मान रहे, अपने सम्मान की मांग करते हैं और कोई मांग नहीं करते हैं।